हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द ब्लॉग टाइम। तो आज हम लोग निकल रहे हैं बनारस के लिए और वहां से हम लोग विंध्याचल भी जाएंगे। तो हम लोग पहुंच चुके हैं स्टेशन के पास और हम लोग मिलते हैं डायरेक्ट मंदिर में। तो तब तक बाय बाय, से यू, मिलते हैं वीडियो में। तो हमारी जो ट्रेन है वो 12 बजे रात को है। तब तक हम लोग ट्रेन की का वेट करते हैं और फिर ट्रेन पे चलेंगे। सुबह के 5 बज रहे हैं और कुछ ही देर में हम लोग विंध्याचल पहुंचने वाले हैं। हम लोगों ने सोचा पहले विंध्याचल का दर्शन कर लिया जाए, उसके बाद हम लोग वहाँ बनारस जाएंगे। तो ये रहा विंध्याचल का स्टेशन और अब आप देख ही सकते हैं यहाँ पे विंध्याचल का स्टेशन कितना सुंदर बनाया गया है। स्टेशन से उतरने के बाद कुछ ही दूरी पर विंध्यवासिनी का मंदिर है। तो हम लोग अभी यहाँ से पैदल जाएंगे और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा फ्रेश होके मंदिर जाने वाले हैं। तो मंदिर के रास्ते में आपको ढेर सारे फ्रूट्स, प्रसाद तथा और बहुत सारे चीज़ों का शॉप मिलेगा जिससे आप लोग शॉपिंग कर सकते हैं। तो चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे एक और किस किस चीज़ का शॉप है। तो चलिए देखते हैं। ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी, चरणों में झुके। विंध्यवासिनी मंदिर जाने का रास्ता इस तरफ से है, तो हम लोग इस तरफ से भी चलेंगे और जल्दी ही मंदिर की ओर पहुंच जाएंगे। तो अभी नवरात्रा का टाइम है तो इसलिए अभी ये इस मंदिर में हलचल कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रही है। और मार्केट का जो रौनक है वो तो आप देख ही सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। तो कहा जाता है कि माँ दुर्गा का ये शक्तिपीठ में से एक है। तो इस मंदिर की भी अपनी ही कुछ अलग खासियत है। तो चलते हैं मंदिर की ओर और चलते हैं आगे। माँ विंध्यवासिनी का जो मंदिर है वो उत्तर प्रदेश के मिर्जा में स्थित है, जो मिर्जापुर से केवल 7 किलोमीटर की दूरी पे है। तो वहाँ तक ट्रेन या ऑटो से आप जा सकते हैं। और अब है गंगा घाट जाने की बारी, तो चलते हैं गंगा घाट। गंगा घाट जाने के रास्ते में आपको बहुत सारे शॉप मिलेंगे जहाँ पे आप लोग प्रसाद ले सकते हैं, फूल माला इन सब का शॉप मिलेगा। तो चलते हैं अभी गंगा घाट में और वहाँ पे स्नान करते हैं। मंदिर में जाने के लिए एक बड़ी लाइन लगी हुई है जिसमें हम लोग भी शामिल हैं। तो गाइस, हम लोग अभी माता रानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे साथ मेरी सिबलिंग्स हैं और कजन्स हैं।
ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी। चरणों में झुके बादल, मंदिर के गर्भगृह में फूल ले जाना अलाउ नहीं है। इसी कारण मैंने अंदर का कुछ क्लिप शूट नहीं किया है। हम लोग को इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो चलिए और दर्शन करते हैं माँ का। फाइनली हम लोग का दर्शन पूरा हो गया है। अब हम लोग मार्केट जा रहे हैं और वहाँ पे थोड़ा सा शॉपिंग करेंगे। तो मार्केट के रास्ते में आप लोग को ढेर सारा प्रसाद का शॉप मिलेगा, चुन्नी का शॉप मिलेगा, जूस खाने पीने का शॉप मिलेगा, जहाँ पे आप लोग खाना पीना खा सकते हैं और शॉपिंग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं शॉप मार्केट में क्या क्या है लेने लायक। इस वीडियो को हम लोग 2 से 3 पार्ट में लाएंगे, जिसमें विंध्याचल और बनारस का जो भी ट्रिप है उसको कवर करेंगे। तो ये पार्ट 1 है और नेक्स्ट पार्ट जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं सेकंड पार्ट में। तब तक बाय, सी यू अगेन।